नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। पहला पेपर आपका जो है बीएससी फाइनल का क्वांटम का, उसकी 3 यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड मैं कर चुका हूं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके लिए जो मैं ये मेहनत कर रहा हूं उसे मुझे बहुत टाइम लगता है इन क्वेश्चन को लिखने में, और ये एक तरीके से पेपर का जो पैटर्न टाइम में बनाता हूं उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के अंदर भी क्वेश्चन की डिमांड करते हैं, तो आज मैंने इंग्लिश मीडियम में साथ साथ भी बनाए हैं। तो आपसे इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अधिक अच्छा काम आपके लिए कर सकूं। ये सब काम मैं आपके लिए कर रहा हूं, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड पेपर की बात हम करते हैं न्यूक्लियर और सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, जिसमें यूनिट नंबर 1 है वो न्यूक्लियर फिजिक्स की है, यूनिट नंबर 2 भी न्यूक्लियर फिजिक्स की है और यूनिट नंबर 3 भी न्यूक्लियर फिजिक्स की है। लास्ट की जो 2 यूनिट है 4 और 5 नंबर, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स की आती हैं। तो यहाँ पर हम सेक्शन ए की बात कर रहे हैं। सेक्शन ए के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर आता है आपका कोणीय संवेग या प्रचक्रण को समझाइए, या इंग्लिश में एक्सप्लेन एंगुलर मोमेंटम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नाभिक का चतुर्ध्रुवा घूर्ण क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द क्वाडपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको डायरेक्ट डेफिनेशन टाइप पूछा जा सकता है 1.5 नंबर में सेक्शन ए के अंदर कि ये चतुर्ध्रुवा घूर्ण क्या होता है, और जो एंगुलर मोमेंटम है इसके अंदर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से होता है J J+1 वेक्टर के अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन इसके अंदर आता है बाइंडिंग एनर्जी एंड द्रव्यमान क्षति को समझाइए, एक्सप्लेन बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका पिछली बार 2020 में भी आया था और ये रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसके होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियस के अंदर ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स की जो यूनिट है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन है 5-7 क्वेश्चन ही, 5-7 टॉपिक ही घूम फिर के वही आ जाते हैं, कभी वो 3 नंबर में आ जाता है, कभी वो 1 नंबर में यानी सेक्शन ए में आ जाता है, और कभी उस टॉपिक को 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र लिखिए, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है, पिछली बार 2020 में इसको 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट द सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन टॉपिक्स को आपको अच्छे तरीके से देखना है, बाकी आप अपनी मर्जी से जितना ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं उतना पढ़ सकते हैं, आपको उसके लिए खुली छूट है, अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उनको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इनमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद 5 नंबर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं समता, इसको परिभाषित करें, पैरिटी क्या होती है, एक्सप्लेन द पैरिटी, पैरिटी को एक्सप्लेन आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है संघट प्राचल किसे कहते हैं, डिफाइन इम्पैक्ट पैरामीटर, संघट प्राचल को पिछली बार 3 नंबर में पूछा गया था, तो जो क्वेश्चन पिछली बार 3 नंबर में आया है हो सकता है उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन में उसको पूछ लिया जाए, क्योंकि टॉपिक तो आपके वही रहते हैं, इंपॉर्टेंट वही हैं, कभी उसको शॉर्ट क्वेश्चन में, कभी उसको 3 नंबर में, कभी उस पर कोई न्यूमेरिकल, या कभी उसको 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जिन जिन की संभावनाएँ ज़्यादा हैं आने की उनको मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे सेक्शन ए के अंदर आपको ये 6 क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। फिर बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी के अंदर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चतुर्ध्रुवा घूर्ण के लिए संबंध व्युत्पन्न करना, डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर क्वाडपोल मोमेंट। पिछली बार सेक्शन बी के अंदर संघट प्राचल और नाभिकीय गुणों के बारे में आया था, यानी इंपैक्ट पैरामीटर और न्यूक्लियर प्रॉपर्टी के बारे में 3-3 नंबर में 2 क्वेश्चन आए थे। तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो मैं आपको 1 नंबर यानी सेक्शन ए में दे चुका हूँ, तो जब आप उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा सा डिटेल से भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो रिपीट हो जाता है 3 नंबर में तो आपको उसका भी फायदा मिलेगा। और इन टॉपिक्स की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हैं, पहले से अपलोड है, नोट्स के साथ अपलोड है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। इसके बाद सेक्शन बी में सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र जो है वो भी पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 4-5 टाइप की एनर्जी आती है, अलग अलग एनर्जी आती है, कुलाम ऊर्जा, असममित ऊर्जा, इस तरीके से, तो उनको आपको अलग अलग तरीके से पढ़ना है कि असममित ऊर्जा क्या होती है, ये 5-6 ऊर्जाओं का एक कॉम्बिनेशन होता है, उससे एक फॉर्मूला बनता है। अब इसके बाद एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी है, ये आया हुआ तो नहीं है 2020 में, 2019 में भी शायद नहीं आया, लेकिन अब की बार इसके चांसेस बनते हैं,
क्योंकि अगर वो थोड़ा चेंज करना चाहेंगे पेपर के अंदर तो हो सकता है वो इसको वहां पे अपलोड कर दें, यानी ये आपको पेपर में देखने को मिल सकता है डिफाइन मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है। अब यहां पर आपको ये आश्चर्य होगा कि मैंने इसमें सेक्शन सी नहीं बताया है, क्योंकि सेक्शन सी जो है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा सेक्शन सी के बारे में बताऊं। सेक्शन सी जो होता है ना, उसमें हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन उठाया जाता है, तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं सेक्शन सी में। नॉर्मल कंडीशन में जैसे कोविड से पहले इन 5 में से आपको 3 करने होते थे, और ये 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट में से एक एक होता है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि आप हर यूनिट में से बड़ा प्रश्न तैयार नहीं करेंगे, आप सिर्फ 3 यूनिट को अच्छे तरीके से तैयार करें, जैसे पहले की कंडीशन में बता रहा हूँ, जिसमें से आप यहाँ सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 5 में से जो आपको अच्छे लगे 3 यूनिट अच्छे तरीके से तैयार कर लें बड़े क्वेश्चन के लिए। अब जैसा कि पिछले कोविड के अंदर 2020 में जब पेपर हुए थे, तो सेक्शन सी में से सिर्फ एक क्वेश्चन ही करना बताया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से, यानी कि सेक्शन ए में सिर्फ एक ही करना बताया गया था, तो पेपर तो वैसे ही आता है उसमें 5 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन वो एक आप कोई भी अच्छी जो यूनिट है उसको तैयार कर सकते हैं, उसमें छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन और 5 नंबर वाला अच्छे तरीके से तैयार करें तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर सेक्शन सी हटाया जाता है तो आपके लिए एक बेनिफिट तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सेक्शन सी एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, उसको अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, छोटे प्रश्न जो हैं वो थोड़े से आने की संभावनाएं कम भी हो सकती हैं ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन जो हैं वो मोस्टली वही आते हैं जो पीछे रिपीट होते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी अगर इसको नहीं हटाती है तो आपके पास इन 5 यूनिट में से, यानी 2-3 न्यूक्लियर्स की हैं और 2 सॉलिड स्टेट की हैं, उनमें से कोई भी एक अच्छी यूनिट आप, मैं आपको बता दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप बड़ा क्वेश्चन वो तैयार कर सकते हैं। तो अभी फर्स्ट यूनिट के अंदर मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा, क्योंकि पिछली बार 2020 में ये जो साम्य अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र है ये 5 नंबर में पूछा गया था, तो ये रिपीट तो अगर होता है तो भी आपको मैंने 3 नंबर में यहाँ बता दिया, इसको डिटेल से आप पढ़ लेना, लेकिन अगर नहीं होता है रिपीट तो बाकी यूनिट भी आपके पास बहुत हैं जिससे आप बड़ा क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चन बताए हैं यूनिट नंबर 1 के लिए, तो इन 9 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से तैयार करें, और मुझे उम्मीद है कि इनमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे, क्योंकि जैसा मेरा अनुभव है पिछली बार भी मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और उस क्वेश्चन में से लगभग 95% है वो रिपीट हुए थे एक पेपर में, तो और बाकी 80% से ऊपर यानी 85% वही क्वेश्चन आए थे जो मैंने बताए थे, और उसको मैंने पेपर के साथ दोबारा से अपलोड भी किया था, पुरानी वीडियो आप जाके देख सकते हैं जहाँ पे मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और उसके बाद जैसे ही पेपर हो गया तो पेपर का और जो अपनी वीडियो उसका कंपैरिजन करके भी अपलोड किए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब करके देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी विद्यार्थियों तक वीडियो पहुँचे और सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।